सो एट लास्ट से राइड शुरू हो चुकी है, जिसका हम लोग सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। और हम लोग सिर्फ दो लोग ही नहीं है, टोटल हम लोग पांच लोग हैं। सभी से मिला होगा धीरे धीरे इसी वीडियो में, और बाकी कुछ दिनों के वीडियोस में भी आप सबसे मिलते ही रहोगे वैसे भी। तो ये जो आगे जो कार गई रेड वाली, वो भी अपनी ही कार है। तो उसमें चार लोग हैं और बाइक पे मैं अकेला हूँ। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे। लेट्स सी कैसे जाती है ट्रिप, और आप लोगों को भी पता चल ही जाएगा क्योंकि आप लोग बने रहना हम लोग के साथ इस पूरे ट्रिप पे। अच्छे अच्छे वीडियोस आते ही रहेंगे। और इंट्रो तो मैं भूल ही गया। सो हेलो, दिस इज़ रिजवान सोलकर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो राइड की शुरुआत हो चुकी है, और हम ये राइड जो काफ़ी टाइम से होने वाली थी, जो कि कर्नाटक के लिए प्लान कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो पहले तो हम लोग यहाँ से रत्नागिरी जाने वाले, फिर रत्नागिरी से नेक्स्ट डे निकल के आगे जाएंगे कर्नाटक के लिए। इस ब्यूटीफुल से सनराइज़ को एंजॉय कीजिए। इस राइड के बाद मैं एक रिव्यू भी बनाऊंगा इस बाइक के ऊपर कि इस राइड में मेरे को क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या नहीं आई, क्या एक्सेसरीज मैंने लगाया था अपने बाइक में, क्या नहीं लगाया था। तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, बट वो इस सीरीज़ के बाद आएगी या इस सीरीज़ के पहले पता नहीं, बट मैं वो एक वीडियो भी बनाऊंगा। और ठंडी तो बहुत है, 15-16 डिग्री ठंडी है इस साइड पे, एज़ कम्पेयर टू मुंबई बहुत ज़्यादा है। लाइक ब्यूटीफुल सा व्यू, पूरा फॉग अप हो गया, ऐसा लग रहा है क्लाउड्स ही नीचे आ गए ले पूरे। तो इस राइड में हम लोग कुछ एक दो एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी करने का ट्राई करने वाले हैं। देखते हैं वो एक्टिविटीज़ कैसे होते हैं, सक्सेसफुली हो पाते या नहीं। एक तो शायद रत्नागिरी में है और एक कर्नाटका में ही है। तो कर्नाटका में एग्जैक्टली हम कहाँ जाने वाले हैं ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा, ये पूरी सीरीज़ देखनी होगी आपको, तो ही आपको इस सीरीज़ में पूरे वीडियो में हर एक वीडियो में मज़ा आएगा, हर एक वीडियो का अलग फील होगा। क्योंकि हम लोग रोज़ एक न्यू प्लेस एक्सप्लोर करने वाले, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है मेरे लिए भी, क्योंकि पहली बार मैं अपना खुद की गाड़ी एक्सपल्स लेके जाने वाला हूँ अपने स्टेट के बाहर। पहली बार ऐसा होने वाला है, इसके पहले मैंने दूसरी गाड़ी भी कोई और गाड़ी भी नहीं लेके गया उस स्टेट के बाहर खुद से चला के। तो पहली बार मैं अपनी गाड़ी लेके जाने वाला हूँ, और इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। Holding on to that feeling is enough. It's enough for me. तो ये हमारे गाड़ी वाली पब्लिक, ये हमारे अकाउंटेंट है एजाज भाई, ये उनके मैनेजर है नगमा, ये वाहिद। रिजवान आ रही है तुम्हारे पास, उसको ऐसा कि तुम भी कुछ देने वाले हो। देखो तुम्हारे पास आ रही है, आई एकदम क्लीन वाली देखा। वो भी खाते वो लोग, चलो मिलते हैं फिर। हम लोग यहाँ पे रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। अगर आप ये वाले रूट से जा रहे हो ओल्ड हाईवे से गोवा की तरफ, तो इस होटल में रुक के मिसल पाव ज़रूर ट्राई करना, होटल विजय में। मस्त एकदम तरी के साथ ये लोग दे रहे, मस्त लग रहा है एकदम। अरे वाहिद हमारी गौ माता को केला खिला रहे, और पीछे से और आ रहे, वाह। तो अभी अमीर पब्लिक जाएगी गाड़ी में बैठने के लिए,
और हम अपने सवारी पे अपने जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। अभी और हमारी जर्नी जो बाकी है और 225 किलोमीटर्स बाकी है। सो लेट्स सी कब तक हम पहुँचेंगे अपने मंजिल पे। और ये जीपीएस माउंट एक नंबर है, मैं इसका एक फ़ोटो अच्छे से डाल दूंगा निकाल के, बट ये एक नंबर जीपीएस माउंट है जो कि मैंने एल्टीट्यूड मोटो से लिया हूँ जो मीरा रोड में है। तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको बाय करना होगा तो, या एड्रेस शॉप का। तो चलो निकलते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नी को। Ever since I've come to know you, and that's enough. Oh, that's enough for me. अभी तक 176 किलोमीटर चल गए थे और अच्छे रास्ते की शुरुआत काफ़ी टाइम पहले ही हो गई। और व्यू तो देखो, बारिश में क्या ही लगता रहेगा ये वाला व्यू, पूरा ग्रीन 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 होता रहेगा। तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ अपने कार वालों का, फिर उसके बाद आगे निकलूँगा, देखते हैं वो लोग कब आते। सो अपनी कार वाली पब्लिक आगे जा चुकी है तो हम भी अभी निकलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। हो सकता है आगे रुकना हो, अभी और 50-60 किलोमीटर चलाने के बाद रुकेंगे अब डायरेक्ट, क्योंकि अच्छे रोड्स है तो आई डोंट थिंक से रुकने की ज़रूरत पड़ेगी, फटाफट कवर हो जाएगा ये। सो लेट्स होप कि ऐसी हो। तो चलो निकलते। इसी के साथ गोप्रो बंद हो गया है। हाँ। लाखों का नुकसान हो गया है। बोले तुम लोग आओगे तुम लोग के लिए पकड़ के रखी हूँ, तुम लोग आओ खाली। कौन? दवा दे क्या ओरिजिन चालू नहीं हो रहा है, कितना वाइट वाइट लग रहा है, देख रहा हूं अभी कि क्या हुआ है। बैटरी तो क्योंकि फुल मतलब 70-80% पे चार्जिंग थी अभी रिसेंट, मैं जब भी तुम लोग को देखा ना रुका था, जब भी तुम लोग गए जब भी चालू था, फिर उसके बाद आया आगे, फिर वो पता है नदी को लग के रास्ता आया, फिर उधर में मैंने चालू किया तो चालू किया तो चालू नहीं हुआ, बोला अभी इसको क्या हो गया, फिर साइड में रुका और फिर अभी चेक करा तो उसमें 5-10 मिनट गुजर गया, चार्ज पे भी लगा के देखा थोड़ा नहीं हुआ। So sad is this. Oh wow wow wow. Wow 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 wow. Finally back. अभी कशेरी का थोड़ा वीडियो आएगा ना, थोड़ा फोटो भी क्लिक कर सकते हैं इसमें। फोटो वीडियो फोटो अच्छे आते हैं वगैरह। मैं अगर आईफोन है तो आईफोन। अच्छा व्यू छोड़ के उधर गाड़ी के साथ फोटो ले रहे हैं। मेरी बाइक कैसे आएगी, मेरी बाइक उधर ही वाइड एंगल में लेके तो ही अच्छे दिखोगे, वरना मालूम ना हो ये सब ऐसे। Oh, that's enough for me. Every time I'm there by your side, everything just feels so right. Every minute, every second, all memories I'll keep my एकदम अमेजिंग वाला वैली व्यू है यहाँ से। आई डोंट नो अगर आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं, बट अगर कोई भी ऐसी क्लिप होगी मेरे पास जिसमें कैप्चर हुआ होगा तो वो मैं दिखा दूँगा। आई थिंक सो दिख रहा होगा थोड़ा बहुत तो। Best I had. The future looks so
कि 98 किलोमीटर्स अभी और बाकी है, और मैं यहाँ पे इसलिए रुका था कि जो पीछे से हम लोग की कार है वो आते हुए मेरे को यहीं से दिख जाए और फिर मैं अपनी तैयारी कर लूँ बैठने की। तब तक थोड़ी स्ट्रेचिंग हो जाए, थोड़ी हवा खा लेता हूँ। इतना थकान वाला तो सफ़र नहीं रहा ये वाला, अच्छा था एकदम नॉर्मल, अभी तक का नॉर्मल ही जा रहा है। और अभी टाइम हो रहा है एक बजने के लिए 5 मिनट बाकी, अभी और 2 घंटे बता रहा है हम लोग को पहुंचने के लिए। आई गेस 3-3:30 तो बज ही जाएंगे या 4 भी बज सकते अगर एक और एक हॉल्ट ले लिया तो। देखते जैसा भी होगा इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, तो वीडियो एंड तक देखना और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर देना क्योंकि रील्स वगैरह आ रही होगी, जो भी रील्स रहेगी वहीं पे आएगी। ऐसा होता है कि साला व्यू देखे या रास्ते को देखे ऐसा मोमेंट हो जाता है ये वाला। वॉट अ व्यू, पूरी सयादरी इसके लेयर्स दिख रही है ऐसे, एक नंबर। सो अभी एक बंदा मिला था ऑन द गो, तो काफ़ी लोग पूछते हैं इस बाइक के बारे में। इस बाइक से अटेंशन बहुत मिलती है क्योंकि ये बाइक की हाइट ही इतनी है ना, तो किसी का भी ध्यान इस पर इजीली चले जाता है। तो कोई भी ऐसा चलते फिरते पूछते रहता है कि कौन सी बाइक है क्या है। तो वैसे अभी तो वो पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए। तो ऐसा अगर आप पूरे सेटअप के साथ अगर कहीं पे जाते हो ना, पूरे इंडिया में कहीं पे भी आई गेस ऐसी होगा कि लोग आपको पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो वगैरह वगैरह। तो अच्छा लगता है ऐसा कोई पूछता भी है किसी को, मतलब एक रहता है कि उसको भी इंटरेस्ट है इस चीज़ में, क्योंकि अगर उसको इंटरेस्ट ना हो तो इतना पूछे भी नहीं। और जो उन लोग का पूछने का तरीका है उसी से पता भी चल जाता है कि उन लोग को इंटरेस्ट है या नहीं। उनके चेहरे पे मतलब एक दिख के आता है कि वो भी कभी ना कभी ऐसी कोई चीज़ करे, कोई राइड करे, कोई ट्रिप करे। अगर उनका भी ऐसा कोई सपना हो कि GoPro लगा के ऐसा कुछ चलाना हो, ऐसी बाइक या कोई और बाइक, तो होप्स हो वो एक ना एक दिन पूरी हो, जैसे आज मेरी हो रही है। कभी सोचता था बस कि जाओगा, कभी ना कभी वो दिन आएगा, आज वो दिन है। प्रॉपर गियर्स के साथ, प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग सेटअप के साथ, एक प्रॉपर टूरिंग बाइक के साथ इंशाल्लाह ऐसे ही पूरे इंडिया हम घूमेंगे। सो फाइनली हम पहुंच गए अपने मंजिल रत्नागिरी, और इधर पहुंचते ही हमारे GoPro ने हमें धोखा दे दिया, जो कि माइक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं ये एंड वीडियो को एंड कर रहा हूँ वॉइस ओवर दे के। और अभी मैं कोकन नगर में हूँ रत्नागिरी के। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। और अमीर लोग आ गए। कैसा लगा सफ़र, कैसा रहा? मैकेनिक चाहिए, मैकेनिक। मैकेनिक क्यों? क्लच बहुत टाइट है, ढीला कर रहा है। हाँ तो है ना अपने पास। क्या भाई फिर रत्नागिरी आके कैसा लग रहा है? सब ढीले ढीले हो गए, सब ढीले ढीले हो गए।